Now moving on to battleground Gujarat. Now it has been seen as the semi-final before Lok Sabha elections in 2019, the acid test for big-ticket reforms like demonetization and GST. Now Gujarat is readying for high-stakes battle this December. Patidar leader Hardik Patel told Mirror Now that he will support Congress Party in Gujarat if they accept his demands. Listen in. ये जानते हैं कि अभी सिर्फ 1.5 महीना रह गया है इलेक्शंस के लिए गुजरात में। अगर हम बीजेपी और कांग्रेस की बात किए जाए, दोनों जो है वो अपने अपने सीट्स के लिए लड़ रहे हैं। आपके बारे में अगर बात किया जाए, आप काफी लोगों से, आपके खुद के रैली में काफी लोगों से आप मिल रहे हैं, आपको क्या लगता है कि इस टाइम सेंटिमेंट क्या है लोगों का, वो किन्हें वोट करेंगे? क्योंकि बीजेपी 5 सालों से पावर में आई है, कांग्रेस भी बहुत अच्छे अच्छे पावर में अपना लाने की कोशिश करी, पर आपको क्या लगता है, आप इतने सारे लोगों से मिल रहे, सेंटिमेंट क्या है अभी लोगों में? सब लोग यही कहते हैं कि हमें अधिकार चाहिए, किसानों का कर्जा माफी हो, पटेलों को आरक्षण मिले, युवाओं को रोजगार मिले। इसी मुद्दे के आधार पर गांव गांव हम घूमते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों का रिस्पॉन्स जानते हैं और वही रिस्पॉन्स हम लोगों के सामने रखते हैं। आने वाले दिनों के अंदर गुजरात की जनता यही चाहती है कि हमें हमारा अधिकार चाहिए, सरकार चाहे कोई भी हो। और भाजपा पिछले 25 सालों से जिस तरह से लोगों को सोच रही है, परेशान कर रही है, इससे जनता के अंदर एक आक्रोश फूटा है। आप इलेक्शंस लड़ने वाले हैं? मेरी उम्र नहीं है। पर आप कोई पार्टी को बैक करेंगे, सपोर्ट करेंगे कोई पार्टी को? हमने ये सुना आप कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे, भले आप, क्योंकि आप एलिजिबल नहीं है, आपकी उम्र नहीं है, बट आप कांग्रेस को, हमने ये भी सुना आप कांग्रेस में भी काफी लोगों से, लीडर्स से मिले हैं, अभी राहुल गांधी से भी मिलने वाले हैं, आप सपोर्ट करेंगे कांग्रेस से? क्या आश्वासन क्या दिए हैं आपको? कांग्रेस हमें समर्थन करेगी तो रिटर्न समर्थन मिलेगा। क्या आपकी बातचीत क्या हुई कांग्रेस से, क्या बातचीत हुई? बस 2-3 तारीख को हमारी मुलाकात, उस टाइम बातचीत होगी। और आप पाटीदार इश्यू के लिए काफी लड़ रहे हैं इतने टाइम से, उनके कोटास के लिए, बीट एजुकेशन हो या जॉब्स में हो, गवर्नमेंट रिजर्वेशन जॉब्स हो, अभी आपकी मांग क्या रहेगी? क्योंकि आप इंडिविजुअल रैलीज आप अभी एड्रेस कर रहे हो ऑल ओवर, तो अभी आपकी, आप कैसे ये करोगे आपकी डिमांड्स मीट हो? देखो, हमने उन्होंने यही कहा, जिस तरह से आप आरक्षण देने की बात करते हो, उस मुद्दे पर संवैधानिक क्या हो सकता है, संवैधानिक तौर पर आरक्षण कैसे रखा जा सकता है, उसे कोर्ट खारिज नहीं करेगी। तो इस मुद्दे पर अगर कांग्रेस हमें कहेगी तो हम बिल्कुल पब्लिक को कहेंगे कि आपको भाजपा के खिलाफ वोट करना है, और पब्लिक समझदार है, उसको कहाँ वोट करना वो जानते हैं। और बस सिर्फ आखिरी सवाल, बीजेपी को आप, वो बीजेपी आपको चाहिए, क्योंकि एक इंटरव्यू में मैंने आपका ये पढ़ा है, आपने बोला है कि आप बीजेपी को जिताएंगे नहीं, उसका मतलब ये है कि आप एटलीस्ट कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे? पहली बात मैंने यही कही कि जनता समझदार है, वो भाजपा को वोट नहीं करना चाहती। और आखिरी चीज, अभी फार्मर्स में अभी करंट सिचुएशन क्राइसिस क्या है? बिकॉज आज आप अमरेली में, खांबा, पूरे आप पूरे यहाँ पे फार्मर्स के यहाँ पे घूमे हैं, विजिट मारा है, क्या एटलीस्ट क्राइसिस क्या है अभी, करंट सिचुएशन क्या है, और आपको क्या चाहिए कि जो भी पावर में आए, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, वो क्या जल्द से जल्द ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट करें? यहाँ पर किसानों के लिए पानी भेजना जरूरी है, पानी यहाँ नहीं है किसानों के लिए। यहाँ पर किसानों को जो चीज़ उत्पादन होती है उसका दाम सही मिलना चाहिए, किसानों को सही ना सही तौर से जो भी कृषि आयोजित योजना है उनका लाभ देना चाहिए।